पनवेल तालुका सीमा में मुंबई पुणे राजमार्ग पर एक निजी बस और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई और बस 20 फीट नीचे गिर गई। आषाढ़ी एकादशी के मौके पर विठुरैया के दर्शन के लिए पंढरपुर जा रहे श्रद्धालु की बस भयानक हादसे का शिकार हो गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। इस बस में 54 लोग सवार थे जिनमें से 42 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को कामोठे के MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 7 लोगों की हालत गंभीर है। मृतकों में 3 बस में और 2 ट्रैक्टर में सवार शामिल है। बस में सभी यात्री डोंबिवली के रहने वाले थे। प्राइवेट बस के सामने अचानक ट्रैक्टर आ जाने से हुए इस भयानक हादसे की प्रारंभिक जानकारी सामने आई है। नवी मुंबई पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला और राहत कार्य पूरा होने के बाद पुणे जाने वाली लेन को यातायात के लिए खोल दिया गया। अंदाजे पाउन ते 1 सुमारास पुणे मुंबई एक्सप्रेस हायवे वर पंढरपूर कडे जाणारी एक बस होती। डोंबिवली परिसरातील भाविक हे पंढरपूरकडे जात होते। ते एक्सप्रेस हायवेवर एका ट्रॅक्टरला आदळून त्यांच्यामध्ये अपघात झालेला आहे। बसमध्ये 54 लोक होते, त्यापैकी आतापर्यंत आपण 42 लोक MGM हॉस्पिटलला उपचारांसाठी हलवलेले आहेत। त्याचप्रमाणे 3 लोक जे अत्यवस्थ होते ते सरकारी हॉस्पिटलला हलवलेले आहेत आणि आतापर्यंत याच्यामध्ये MGM हॉस्पिटलला 2 आणि सरकारी हॉस्पिटलला 3 अशा 5 लोकांची डेथ डॉक्टरांनी डिक्लेअर केलेली आहे। बाकीचे जे लोक आहेत त्यापैकी 7 ते 8 लोक जे आहेत त्यांची प्रकृती थोडीशी गंभीर आहे आणि बाकीचे लोक इतर लोक आहेत ते सेफ आहेत, त्यांच्यावर उपचार चालू आहे। एक्सप्रेसवेवर ट्रॅक्टरला मागच्या बाजूने बस आदळून अपघात झालेला आहे आणि ती बस एक्सप्रेसवेच्या बाजूला दरीमध्ये कोलमडलेली आहे। त्याच्यामधून बस आपण बाहेर काढून त्यातले इतर जे जखमी आहेत त्यांना सुखरूप बाहेर काढून त्यांना उपचारासाठी पाठवलेला। हो, हे सगळे लोक पंढरपूर या ठिकाणी आषाढी एकादशीसाठी चाललेले होते। बहुतेक सारे प्रवासी हे डोंबिवली निळजे लोडा या भागातील रहिवासी होते। NBC न्यूज के लिए नवी मुंबई से प्रतिनिधि की रिपोर्ट।